zombie apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है आर्क सर्वाइवल की कवर न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम भाई फिर से आ चुके हैं आर्क की कवर न्यू वीडियो लेकर। और भाई अपन भाई गिव अवे करने वाले हैं अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का, तो भाई उसी के बारे में आज की भाई हमारी वीडियो होने वाली है। और भाई काफ़ी ज़्यादा लोग बोल भी रहे थे भाई सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का गिव अवे कर दो या तो भाई ऐसे ही दे दो। तो भाई हमने सोचा भाई गिव अवे ही कर देते हैं भाई सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का, तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा भाई हमारा सिंगल प्लेयर का वर्ल्ड। और भाई हमारे सिंगल प्लेयर के वर्ल्ड में भाई काफ़ी ज़्यादा एम्बर्स हैं एंड भाई डायनोज वगैरह हैं भाई ईरी वाले। और ईरी वाले डायनोज भाई सिंगल प्लेयर में भाई कुछ कुछ मिलते भी नहीं हैं। जैसे हो गई ये भाई ग्रिफिन ईरी वाली, ये भाई मिलती भी नहीं है भाई इतनी आसानी से, भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद मिलती है ईरी वाली ग्रिफिन। तो भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा ईरी डायनोस हैं वो भाई सारे मिलने वाले हैं आपको। तो गाइस आप वीडियो लास्ट तक देखना भाई, आपको पता चल जाएगा भाई कैसे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है एंड भाई आप अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में क्या क्या है वो भाई दिखाने वाले हैं। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना भाई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो भाई नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आते भाई सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और भाई ये रहा हमारा भाई बेस यहाँ पे है एंड जहाँ पर भाई सारे ईरी डायनोज हैं जो भाई आपको सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में भाई दंगन से नहीं मिलते हैं, वो भी भाई सारे ईरी डायनोज यहाँ पे हैं एंड ये भाई आप अपने कलेक्शन में रख सकते हो। एंड याद है भाई टेक जनरेटर वगैरह चल रहा है भाई, थोड़ा सा स्टोन वगैरह का बना दिया था एंड टेक वगैरह का बना दिया था, ये भाई हमारे हेमिंग भाई ने बनाया है यहाँ पे ये सारा डिज़ाइन वगैरह, तो भाई उनको ये सारा क्रेडिट वगैरह जाता है। एंड गाइस ये जो बेस है एंड डेकोरेशन ये भाई कुछ ज़्यादा वगैरह नहीं किया है, क्योंकि भाई जो लोग भी जीतेंगे भाई गिव अवे में उनको भाई कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए भाई बेस वगैरह भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना दिया है। जैसे आप लोगों को वो अपग्रेड करना हो तो भाई अपने हिसाब से कर सकते हो अपग्रेड। और भाई यहाँ पे डायनोज वगैरह हैं, डायनोज वगैरह अपने हिसाब से भाई डेकोरेट कर सकते हो इधर उधर। एंड यहाँ पर है भाई अपना प्यारा सा यूनिकॉर्न एंड भाई गेम लैग हुआ था बहुत तगड़े से एंड इधर भाई यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न तो भाई मिल जाता है सिंगल प्लेयर में आराम से, तो भाई यूनिकॉर्न तो इतना ज़्यादा रेयर वगैरह नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे अपने नॉक्टिस हैं भाई, नॉक्टिस भाई काफ़ी ज़्यादा रेयर है अपने पास भाई इस सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। दो ठो नॉक्टिस हैं तो भाई आपको दो ठो नॉक्टिस मिल जाएंगे प्यारे से, भाई डेकोरेट कर सकते हो भाई। नॉक्टिस वगैरह तो भाई मिलता भी नहीं है भाई इतनी आसानी से एंड नॉक्टिस वगैरह भाई मिल जाएगा इस सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में आपको। एंड भाई मैं एम्बर्स दिखा देता हूँ आपको एंड भाई देखो ये इतने सारे एम्बर्स मिल जाएंगे आपको, तो भाई ये मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे भाई, इतने सारे एम्बर हैं भाई कहाँ पे ख़त्म कर दोगे आप सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। और भाई यहाँ पे ये ग्राफ्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा भाई बाई करके रखे हैं, तो भाई आपको बाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड ये भाई ईरी ग्राफ्ट जो है ना 10 बार आपको डंजन कम्प्लीट करना पड़ता है वीकली डंजन, तब जाके ये मिलता है। तो भाई ये रियर क्राफ्ट है, तो भाई ये वाला भी मिलने वाला है आपको। चलो भाई इसको इक्विप ही कर लेते हैं, नहीं भाई इक्विप नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा ही भाई उजाला फेंकता है ये बिल्कुल इधर उधर भाई, काफ़ी ज़्यादा उजाला कर देता है, तो अभी के लिए रहने देते हैं। एंड अपन अंदर चलते हैं भाई बेस के अंदर एंड बेस के अंदर दिखाते हैं भाई लैग इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है मेरा गेम पता नहीं। एंड चलो भाई यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर भाई ईडी वाले कुछ तो भाई बैठाने वाले डाइनो हैं ऑर्टर एंड ये भाई सस्ता पैरासूट एंड इधर भाई अपना जरबुआ वगैरह पड़ा हुआ है, तो भाई इसको पड़ा ही रहने देते हैं भाई, इनका कोई काम नहीं है अपने ऊपर। एंड इस साइड भाई वॉल्ट वगैरह लगी हुई है, इसमें एमओ एंड एरोज वगैरह रखे हुए हैं एंड इधर राइफल एमओ एंड इधर डंजन प्रीमियम में भाई थोड़ा सा प्रीम वगैरह का सामान वगैरह होगा। एंड ये देखो भाई थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा कम सामान इसमें है एंड इधर भाई इम्प्लांट है अपने इम्प्लांट भाई, ये मेरे इन्वेंट्री में आ गया गलती से, चलो भाई कोई नहीं। एंड इधर भाई बीजल बपो का इम्प्लांट है, ये भाई 688 लेवल का है एंड ईडी वाला भाई मिलने वाला है। एंड इधर 1000 के भाई इम्प्लांट वगैरह पड़े हुए हैं एंड इसे भाई निकाल के आप रिवाइव कर सकते हो भाई, आपको मिल जाएंगे भाई खतरनाक डायनोज। एंड इधर भाई ब्लू प्रिंट्स है एंड भाई ये वर्ल्ड में बता देता हूँ भाई, ये वर्ल्ड है मीडियम डिफिकल्टी पे एंड इसमें भाई आपको जो आर्मर मिलेगा भाई शॉटगन का ब्लूप्रिंट मिलेगा भाई स्वॉर्ड का ब्लूप्रिंट मिलेगा, वो भाई सारे ब्रूटल डिफिकल्टी के होंगे। तो भाई मीडियम डिफिकल्टी में आप ब्रूटल का मजा ले सकते हो भाई, वेपन वगैरह यूज करके ब्रूटल वाले मतलब ब्रूटल वाला आर्मर आप मीडियम डिफिकल्टी में यूज करोगे डंजन वगैरह करोगे, तो भाई डंजन में आर्मर की वजह से भाई मरने का कोई चांस ही नहीं है आपका, तो भाई इतना तगड़ा आपको आर्मर मिल जाएगा इस वाले वर्ल्ड में।
एंड यहाँ पे भाई ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट भाई फिर से मेरी इन्वेंट्री में आ गया गलती से भाई, इतना सारा लैग हो रहा है भाई, उसकी वजह से भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड भाई स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। चलो भाई यहाँ पे दो टो ब्लूप्रिंट मेरे इन्वेंट्री में आ गए। एंड देखो भाई ये मतलब 1900 ड्यूरेबिलिटी भाई, 1300 आर्मर भाई, ये वाले ब्रूटल डिफिकल्टी में ही मिलते हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी आर्मर का सेट है। एंड यहाँ पे भाई ये है अपनी कंपाउंड वो 1114 डैमेज की, तो भाई ये सब बना सकते हो आप। एंड 346 डैमेज की भाई पंप एक्शन शॉर्ट गन का ब्लू प्रिंट है। स्वाड देखो भाई 675 डैमेज की भाई स्वाड वगैरह है। एंड भाई रॉकेट लॉन्चर भी काफ़ी अच्छा है, 1521 डैमेज भाई रॉकेट लॉन्चर का। एंड भाई ईडी कैंडी का भाई ब्लू प्रिंट भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो भाई यहाँ से ईडी कैंडी आप बना सकते हो। वैसे भाई एम्बर काफ़ी ज़्यादा है तो भाई शॉप से ही बाई कर सकते हो, तो इधर भाई ब्लू प्रिंट्स है। एंड इधर भाई प्रीमियम सामान में भाई ये सब बाई करके हुआ रखा हुआ है। एंड इसमें भाई स्टैचू एंड भाई बहुत सारा भाई खतरनाक सामान है। एंड इस साइड देख लेते हैं, इस साइड आर्किटाइप बने हुए भाई रखे हैं इतने सारे, तो भाई ये सारे यूज कर सकते हो, आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और गाइस इधर से अपन चलते हैं। एंड इधर भाई थोड़ा सा भाई क्राफ्टिंग का सामान वगैरह लगा हुआ है। एंड इस साइड से चलते हैं अपन इस दूसरे वाले रूम में। एंड यहाँ पर भाई मतलब खाने पीने वाला जो सामान होता है वो सारा लगा हुआ है। एंड इधर भाई रेफ्रिजरेटर है, इसमें ब्रूस वगैरह बने हुए रखे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्रूस वगैरह यहाँ पर बना दिए हैं हमारे हेमिंग्वे ने। एंड इधर भाई सारे रेफ्रिजरेटर में सामान वगैरह रखा हुआ है। एंड भाई यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं। एंड यहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनो दिखाते हैं भाई, ये रहा हमारा 202 थस। यहाँ पे ये भाई ईरी वाला है भाई, ईरी वाला का भाई क्या ही मतलब लुक लगता है भाई, पानी में साइड में आप खड़ा कर दो ना भाई, आओगे जाओगे भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी लगता है भाई। बाहर इनके टेंटिकल्स निकले रहते हैं और भाई ईरी ईरी ग्लो करते रहते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ओपी लगता है भाई 202 थस। तो चलो भाई इसको यहीं पे अपन रख देते हैं। तो भाई ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनो है अभी वाटर में। चलो भाई यहाँ से अपन निकलते हैं। एंड इधर भाई रेक्स हैं अपने ईरी वाले। एंड ईरी वाले रेक्स तो भाई दंगल में मिल जाते हैं एंड स्पाइन वगैरह भी मिल जाता है। एंड ये आप वैसे भी ला सकते हो। एंड इधर भाई अपना बीजल वपो है। एंड इस साइड है भाई अपना गीगा, वो भी भाई ईरी वाला। तो भाई ये वाला ईरी गीगा तो भाई ऐसे मिलता नहीं है भाई दंगल वगैरह में। एंड सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में भाई मतलब मिलता ही नहीं है ईरी गीगा। और भाई इस वर्ल्ड में भाई आपको ईरी गीगा वगैरह भी भाई मिलने वाला है भाई, खतरनाक सा ईरी गीगा है। एंड इधर से अपन निकलते हैं। एंड ये है अपना भाई रिवाइवल प्लेटफॉर्म, छोटा सा बना हुआ, ये भाई स्टोन का बना हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से भाई तोड़ के मॉडिफाई कर देना। एंड इधर से अपन निकलते हैं। एंड इधर है भाई अपनी थ्री जोना सोर्स। एंड इसके पास में भाई मेगा थीरियम है 2। एंड इधर भाई अपने मेगलोसोस सो रहे हैं 2। एंड इधर भाई टेक टेलीपोर्टर लगा हुआ है, इस तरह से दंगन वगैरह जा सकते हो। एंड इधर है भाई अपने ईरी डोडो, दो भाई जो बड़े वाले ईरी डोडो हैं भाई, जेंट ईरी डोडो। तो भाई ये मतलब मिलते भी नहीं है इतनी आसानी से भाई, काफ़ी ज़्यादा बार ब्रीडिंग करवानी पड़ती है भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई इतने ज़्यादा बड़े डोडो मिल जाएँ भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग करवाने के बाद मिलते हैं ये डोडो। तो भाई इस वर्ल्ड में भाई ये डोडो भी मिलने वाले हैं, ईरी डोडो, वो भाई इनके ऊपर बैठ सकते हो आप। एंड ये उड़ते वगैरह तो है नहीं भाई, केवल बैठ ही सकते हो, बैठ के भाई इधर उधर टहल सकते हो इनके ऊपर। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ओपी लगते हैं भाई डेकोरेशन में, भाई खड़े कर दो साइड में। एंड उधर था मेल, शायद ये मेल है एंड इस साइड फीमेल है, तो भाई इनकी ब्रीडिंग करके भाई काफ़ी ज़्यादा भाई बड़े बड़े डोडो आप निकाल सकते हो भाई डेकोरेशन में खड़े करने पर, काफ़ी ज़्यादा ओपी लगेगा। एंड इधर भाई क्राफ्टिंग वाला थोड़ा सा सामान है। एंड इधर टेक जनरेटर वगैरह लगा हुआ है। एंड इधर आलू सॉस है अपना पड़ा। एंड इधर भाई अपना टाइटन भी है, तो भाई इस वर्ल्ड में भाई आपको टाइटन भी मिल जाएगा भाई, आपको टेम वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा टाइटन को। एंड इस साइड भी भाई थोड़े बहुत ईरी डायनोस वगैरह पड़े हुए हैं। एंड इधर एंकालोसोस एंड ब्रोंटो है। एंड इधर मैमथ है ईरी वाला। एंड इधर आलू सोस वगैरह। एंड इधर थोड़े बहुत भाई रूम वगैरह बने हुए हैं। एंड गाइस मैं बता देता हूँ भाई आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। और भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और भाई हमारे डिस्कॉर्ड चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक आपको हमारे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो भाई वहां से आप अपना डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
वहाँ पर भाई एक सेक्शन होगा गिव अवे का, एंड उसमें भाई गिव अवे चलते ही रहते हैं भाई। अपने आर्किटाइप जैसा हो गया उसका भाई गिव अवे हमने किया है भाई पिछले मंथ, भाई काफ़ी ज़्यादा गिव अवे हुए हैं। एंड भाई सोलो वर्ल्ड में भाई एम्बर्स वगैरह का भी गिव अवे हुआ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जीतते रहते हैं। आपको अगर पता नहीं था तो भाई आपको आज पता चल गया, तो भाई हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भाई गिव अवे होगा हमारे ये वर्ल्ड का सिंगल प्लेयर। एंड वहाँ पर भाई जस्ट आपको भाई गिव अवे वाले सेक्शन में जाना है, एंड बस आपको भाई रिएक्ट कर देना है भाई, वैसे ही आप गिव अवे में एंटर हो जाओगे। तो भाई ऐसे आप गिव अवे में पार्ट वगैरह ले सकते हो, तो भाई ये वाला गिव अवे का वर्ल्ड मतलब जीत सकते हो। तो भाई इसका वर्ल्ड एक मंथ चलेगा, मतलब एक मंथ में 3-4 बार गिव अवे होगा ही, एंड एक गिव अवे में मतलब 3-4 विनर सेलेक्ट होंगे। तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा भाई हमारे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड का गिव अवे, तो भाई ऐसे आप पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। तो गाइस फिर आज का वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं, आज का भाई हमने गिव अवे के बारे में बता दिया आपको। तो गाइस फिर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं आगे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।